प्रयागराज के मौनी अमावस्या स्नान के बाद लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या में उमड़ पड़े हैं। सरयू तट पर स्नान करने के बाद 2 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगकर कतारबद्ध होकर राम भक्त प्रभु राम के दर्शन पूजन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि तक जाने वाले मार्ग पर बस प्रभु राम के गुणगान गाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या में लाखों की संख्या में प्रतिदिन राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन 23 जनवरी के बाद पहली बार अयोध्या में आज आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लता मंगेशकर चौक से लेकर बिरला धर्मशाला यानी कि 2 किलोमीटर लंबे लाइनों में लगकर पूरा रामपथ श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। भक्ति भाव में श्रद्धालु लाइनों में लगकर अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर भाव विभोर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मौनी अमावस्या स्नान के बाद प्रयागराज से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। जिला प्रशासन को अंदाजा ही नहीं लग पाया कि इतनी बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या आ जाएंगे। प्रशासनिक इंतजाम की बात करें तो राम भक्तों के जमावड़े की वजह से प्रशासनिक इंतजाम भी फेल नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का जहाँ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बैरियर पर तैनात सुरक्षा बल के लिए भीड़ कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज हो गया है। श्रद्धा भाव में श्रद्धालुओं के मुख से जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपने आराध्य को निहारने के लिए एक एक पग राम भक्त आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर दर्शन हुए, देख के ऐसा लगा जैसे आंखों में पानी भर गया श्री राम जी को देख के। श्री राम लल्ला जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, जरूर आना चाहिए सबको, एक बारी मनोकामना जरूर पूरी होगी सबकी यहाँ पर। बहुत भीड़ है आज, सुबह सुबह इतना रश नहीं था, इस टाइम 10 बजे रश हो गया। अगर दर्शन करने आना है सुबह 6 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, रश कम मिलता है। क्या नाम है? नमिता।